युवक की हत्या के मामले में जिला एवं सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला। युवक की हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 10,000 का जुर्माना। अंकित उर्फ मोनू व सुनील को न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित ने सुनाई सजा। कोर्ट में लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने 17 गवाह और 75 दस्तावेज किए पेश। 10 मार्च 2019 को वाहिदपुरा में रात को अपहरण कर की थी युवक की हत्या। 5 साल पहले रंजिश में युवक की फावड़ा व लोहे की चहू से वार कर हत्या करने के मामले में झुंझुनू के जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित ने आरोपी अंकित उर्फ मोनू एवं सुनील को आजीवन कारावास व 10,000 रूपए के जुर्माना लगाया है। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने बताया कि न्यायालय में कुल 17 गवाहों के बयान करवाए तथा 75 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय में पेश किए गए दस्तावेजों और गवाहों के बयान के आधार पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित ने हत्या के मामलों में दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रूपए का अर्थदंड तथा आईपीसी 342 में दोषी मानते हुए 1 साल का कारावास और 1,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना के दिन आरोपियों ने विक्रम उर्फ नानड़ को अपने घर के चौबारे पर ले जाकर फावड़े व लोहे की चहू से गंभीर मारपीट की। इसका वीडियो बनाकर अपने दोस्त धीरासर निवासी विकास को भेजा था। वीडियो कॉल करके मारपीट की घटना लाइव दिखाई थी। विकास ने मंडावा थाना पुलिस को सूचना दी थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित को बीटीके अस्पताल पहुंचाया था। 10 मार्च 2019 को वाहिदपुरा निवासी राजेंद्र पुत्र शिशुपाल ने मंडावा थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसका पुत्र विक्रम उर्फ नानड़ 9 मार्च 2019 की शाम 8 बजे घर आकर बताया कि गांव के अंकित उर्फ मोनू पुत्र शिशुपाल दूलड़ व सुनील पुत्र भरत रत्न ने उसके साथ मारपीट की है तथा उसे जान से मारने की धमकी दी थी। वह उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की कहकर घर से निकल गया। देर रात 2 बजे पुलिस ने उसे सूचना दी कि उसके लड़के विक्रम उर्फ नानड़ बेहोशी की हालत में आरोपी अंकित उर्फ मोनू के चौबारे में मिला है। उसे बीडीके अस्पताल ले गए है। इस पर वह तथा उसका चचेरा भाई श्रवण बीडीके अस्पताल पहुंचे, जहां उसका पुत्र विक्रम बेहोश था। सुबह 4 बजे विक्रम ने दम तोड़ दिया। विक्रम को गाँव के अंकित उर्फ मोनू व सुनील ने रास्ते जाते उठाकर मारपीट कर हत्या कर दी। दिनांक 9/3/2019 को वाहिदपुरा का मृतक विक्रम नानड़ शाम को अपने घर पर आकर बताया कि मेरे साथ अंकित और सुनील निवासी वाहिदपुरा ने मारपीट की है, उसकी मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पर जा रहा हूँ। जब वो रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पर जा रहा था, रास्ते में दोनों ने अंकित और सुनील ने उसको अंकित के चौबारे में ले जा करके उसके साथ फावड़े और लोहे की चहू से मारपीट की और उसका वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को दिखाया। तत्पश्चात पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस अंकित के चौबारे से घायल अवस्था में विक्रम को लेकर के आई और हॉस्पिटल में भर्ती कराया और मृतक के घर वालों को सूचना दी। दौरान इलाज उसकी बीडीके अस्पताल में मृत्यु हो गई। तत्पश्चात अगले दिन उसके घर वालों ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस पर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302 IPC में चालान पेश किया, जिस पर हमारे द्वारा राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए 75 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए व 17 गवाह के बयान करवाए गए। न्यायालय ने बहस सुनने के पश्चात साक्ष्य को कंसिडर करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री देवेंद्र जी दीक्षित ने उन दोनों आरोपियों को अंकित और सुनील को धारा 302 IPC में आजीवन कारावास व 10,000 रुपये का जुर्माना व धारा 342 IPC में 1 साल का कारावास व 1,000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया गया।